हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है द पपेट मैन। ये मूवी इसी साल रिलीज हुई है और अगर हम इसके रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 5.3 आउट ऑफ 10 है। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है और मुझे तो ये मूवी पर्सनली बहुत अच्छी लगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आए तो प्लीज भी मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि आपकी मदद के बिना मेरे 1K सब्सक्राइबर फैमिली का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। सो होप आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में हम एक डेविड नाम के आदमी को देखते हैं जो अचानक से आकर अपने वाइफ को किचन में बिना किसी वजह नाइफ से स्टैब कर देता है। और उसे देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो ये करना नहीं चाहता था और वो अपने शरीर को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो, मगर वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। और वो अपने वाइफ से कहता है कि वो ये नहीं कर रहा है बल्कि कोई उससे करवा रहा है। और डेविड बड़ी बेरहमी से अपनी वाइफ को मार डालता है और बहुत पछताता है। और पुलिस जब उनके घर के अंदर आई तब डेविड डाइनिंग टेबल के पास नाइफ को अपने गोद में लेकर बैठा था और उसकी मरी हुई वाइफ की आंखें उस पर गड़ी हुई थी। डेविड के अरेस्ट होने के बाद मीडिया तक जब डेविड की कहानी पहुंची तब मीडिया वाले ने उसे पपेट मैन किलर के नाम से संबोधित करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बार बार एक ही बात बोल रहा था कि उसने वो मर्डर नहीं किया है और कोई उसे कंट्रोल कर रहा है। लेकिन इससे डेविड की सज़ा कम नहीं हुई और अदालत की तरफ से डेविड को सजाए मौत की सज़ा सुनाई जाती है एक घातक जहरीला इंजेक्शन लगाकर। उन दोनों कपल्स की एक 8 साल की बेटी भी होती है जिसका नाम माइकल होता है, जिसे डेविड ने एक केज में लॉक करके कबर्ड में बंद करके रखा हुआ था, जिसे पुलिस रेस्क्यू करके फॉस्टर होम में पढ़ने के लिए भेज देती है। और ऐसा डेविड ने क्यों किया था ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। सीन शिफ्ट होता है और हम माइकल को देख पाते हैं जो कि अब काफी बड़ी हो चुकी है और माइकल अब एक कॉलेज स्टूडेंट है। और तब तक डेविड को सजा नहीं मिली थी और तभी दी जानी थी। माइकल के साथ हुए उस इंसिडेंट को काफी साल बीत चुके थे लेकिन माइकल के दिमाग में अब भी उसके छाप बरकरार थे और इस वजह से उसकी लाइफ एक ऑर्डिनरी लाइफ जैसी बिल्कुल भी नहीं होती। चार्ली नाम की एक लड़की माइकल की रूममेट होती है और वो माइकल का ख्याल भी रखा करती थी और चार्ली माइकल को हर रात स्लीप वॉकिंग करते हुए देखती थी। और जब वो इसके पीछे की वजह माइकल का ट्रॉमेटिक बचपन है ये जान पाती तब चार्ली और भी ज़्यादा उत्सुक हो जाती है माइकल के पास्ट के बारे में जानने के लिए। लेकिन यही अकेला मकसद नहीं था चार्ली का, वो माइकल के पास्ट के जरिए वो पपेट मैन के पीछे की स्टोरी के बारे में भी पता करना चाहती थी और उसकी ये उत्सुकता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही होती है उस फैक्ट को जानने के लिए जो माइकल के फादर कह रहे थे कि कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा था मर्डर करते वक्त। और चार्ली ये सोचती है कि माइकल को भी अपने पिता वाली बीमारी है इसलिए वो स्लिप वॉकिंग करती है। चार्ली के साथ साथ माइकल के और भी दोस्त होते हैं जिनका नाम ग्लैन और जो होता है। डैनी नाम का लड़का माइकल को पसंद भी करता था, सब कॉलेज के स्ट्रेसफुल लाइफ से थोड़ा ब्रेक लेना चाहते थे इसलिए वो प्लान करते हैं एक ड्रिंक पार्टी के लिए जिसमें वो एंजॉय कर सके। और इस पार्टी के लिए वो टेरिस को चुनते हैं जहाँ पर सिर्फ वही लोग होंगे। एक रात स्लिप वॉकिंग के दौरान माइकल अपने खून से वॉल पर 3 लाइंस बना देती है और तब चार्ली उसे होश में लाती है। माइकल हैरान हो जाती है कि उसने जो वॉल्स पर सिंबल बनाए हैं उसका मतलब क्या है। माइकल अपने बचपन को याद करने लगती है जब वो कबर्ड में लॉक्ड रखी जाती थी और वो 3 लाइंस वाला सिंबल उस कबर्ड में गैप से बनी आ रही रोशनी जैसी लग रही थी जो माइकल ने सपने में देखा हुआ होता है। लेकिन वो इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाती। स्ट्रेंज विजन्स और स्लीप वॉकिंग्स के साथ साथ माइकल के इर्द गिर्द क्रोस भी मंडराने लगते हैं। माइकल के सारे दोस्त जब दारू खरीदने जाते हैं तब चार्ली पता नहीं कहाँ जाती है सबसे बहाना बनाकर, और शायद उसके मन में कुछ चल रहा होता है जो वो किसी से नहीं बताती। रात में माइकल जब चार्ली के लैपटॉप में मैसेज देखती है तब माइकल को पता चलता है कि चार्ली उसी के सिलसिले में रूबी नाम के एक साइकिक से मिलने गई है। और माइकल चार्ली के लैपटॉप में अपने स्लीप वॉकिंग के रिकॉर्डिंग्स भी देख लेती है और चार्ली से नाराज हो जाती है। तब चार्ली माइकल से कहती है कि उसने ये बात किसी से नहीं बताया है और ना ही कभी बताएगी। लेकिन रात को दोस्तों के साथ ड्रिंक करते समय ग्लैन माइकल के स्लीप वॉकिंग और माइकल के पास्ट के बारे में सबके सामने बोलने लगता है, जिसे सुनकर माइकल चार्ली से नाराज हो जाती है क्योंकि उसने उसे झूठ बोला कि उसने उसके स्लीप वॉकिंग और उसके पास्ट के बारे में किसी को नहीं बताया। लेकिन चार्ली के लिए तो वो सारी चीजें गॉसिप और एंटरटेनमेंट का एक मुद्दा बन चुकी थी। माइकल वहां से गुस्से में जाने लगती है और जब चार्ली उसे रोकने की कोशिश करती है वो पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है और वो पीछे की तरफ चलने लगती है और चलते चलते टेरिस से नीचे गिर जाती है और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कोई समझ ही नहीं पाया।
क्योंकि उन्हें यह सब कुछ मजाक लग रहा था। एक डिटेक्टिव से पूछताछ के दौरान माइकल उनसे बताती है कि मरने से पहले उसकी आंखें देखकर पता चल रहा था कि वो उससे डरी हुई है और चार्ली की मौत की जिम्मेदार माइकल खुद है। और माइकल जब रास्ते पर चलती जा रही थी तब बहुत सारे क्रोज शोर मचा रहे होते हैं और माइकल के खिड़की पर सर पटक पटक कर सुसाइड कर रहे होते हैं। ये देखकर माइकल बहुत ही ज्यादा डर जाती है और समझ नहीं पाती कि ये सब क्या है। ग्लेन चार्ली को पसंद करता था इसलिए उसे माइकल से नफरत हो गई थी, लेकिन डैनी माइकल का ख्याल रखता है और डैनी पूरी रात माइकल के कमरे के बाहर बैठा रहता है। और तभी माइकल नींद में टेरिस पर चढ़कर कूदने ही जा रही होती है कि डैनी उसे बचा लेता है। सिर शिफ्ट होता है और हम एक स्वीपर को देख पाते हैं जो उन क्रोज की लाशों को क्लीन कर रहा होता है। और उस वक्त चार्ली की माँ माइकल को बुलाने आई होती है उसे चार्ली के फ्यूनरल में। तभी चार्ली की माँ के पास मौजूद चार्ली के फोन पर माइकल को वही रूबी नाम की साइकिक मिलने के लिए बुलाती है और साथ ही में उसके दोस्तों को भी। वो साइकिक पहले तो माइकल को कमरे के बाहर ही रहने के लिए बोलती है और माइकल के बाकी के दोस्तों को माइकल के बारे में बताती। माइकल के ऊपर एक काला साया है और बाहर माइकल उन थ्री फिंगर्स वाले सिंबल का बुक ढूंढ लेती है, लेकिन तभी रूबी उसे अंदर से बुला लेती है और वो साइकिक रूबी तब माइकल की माँ पेट्रिशिया की आत्मा को बुलाने की कोशिश करती है ताकि वो उन्हें सही रास्ता दिखा सके और माइकल को उस काले साए से छुटकारा दिला सके। तभी एक आत्मा रूबी के हाथों से ये लिखवा कर बताती है कि उसी ने चार्ली को मारा है। ये देखते ही रूबी डर के मारे सबको वहाँ से जाने के लिए बोल देती है, लेकिन माइकल उस मैसेज को जानना चाहती थी। और तब अगली बार जब रूबी उस आत्मा का नाम पूछती है तब वो आत्मा अपना नाम माइकल बताती है, जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होता है क्योंकि माइकल तो सही सलामत जिंदा उनके सामने बैठी हुई थी। रात में ग्लेन और जो भी चार्ली के लैपटॉप में देखकर माइकल के पास्ट के बारे में जान जाते हैं और उसके डैड डेविड के बारे में भी। और तभी माइकल फिर से नींद में अपने खून से खिड़की पर कुछ लिख रही होती है, चार्ली लाइव चार्ली डाई। और तब डैनी उसे होश में लाता है और ये देखकर ग्लेन उसे साइको बोलकर वहां से चला जाता है। और डैनी तब माइकल को काम डाउन करने के लिए रेस्टोरेंट में लेकर जाता है खाना खाने के लिए। और तब माइकल डैनी से बताती है कि डेथ उसे फॉलो करता है और वो अपने एक फॉस्टर फादर के डेथ के बारे में बताती है जिसकी मौत 4 साल पहले हुई थी और उसने अपने पेट पर सॉरी लिखकर शायद माइकल से माफ़ी मांगी थी क्योंकि वो उसे अब्यूज़ किया करता था और एक दिन उसने खुद को फांसी पर लटकाकर सुसाइड कर लिया। टाइम शिफ्ट होता है और हम जो को चुपके से रूबी से मिलते हुए देखते हैं और रूबी तब जो से कहती है कि माइकल को ये नहीं पता चलना चाहिए कि ये चीज़ तुम्हारे पास है। जो ग्लेन और डैनी को इसके बारे में मैसेज करती है आने के लिए, लेकिन डैनी माइकल के साथ था और वो उसे छोड़कर नहीं आ सकता था और ग्लेन जिम के लाउड म्यूजिक की वजह से मैसेज के बारे में नहीं जान पाता। और रूबी ने जो जो के हाथ में थमाया था वो सिर्फ एक बुक होता है और इसी बुक की वजह से चार्ली रूबी तक पहुंची और जो ने इस बुक के बारे में चार्ली के लैपटॉप पर देखा था। चार्ली उस थ्री लाइन्स वाले सिंबल के बारे में जानना चाहती थी और शायद इस बुक की वजह से वो उसकी मौत हुई है और ये वही बुक होता है जिसे माइकल ने देखा था जिसमें थ्री लाइन्स वाला निशान बना था और उस बुक का नाम होता है द कल्ट ऑफ डोलोस। और जो के मैसेज करने पर जब कोई भी नहीं आता तब जो खुद इस बुक को पढ़कर माइकल के बारे में फाइंड आउट करने की कोशिश करती है क्योंकि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो अगली मौत की पारी उनकी हो सकती है। और जो जब उस बुक को खोलती है तब उसमें एक रिचुअल के बारे में लिखा हुआ होता है जिसमें एक डीमन का जिक्र होता है और उस डीमन का नाम डोलोस होता है और उसे इस दुनिया में लाने के लिए लाइट और डार्कनेस की, सिन और इनोसेंस की शादी करानी होगी। और उसमें ये भी लिखा होता है कि जो कोई भी डोलोस के खिलाफ साजिश करेगा डोलोस के पास उसकी बॉडी सबमिट हो जाएगी और डोलोस तब उस बॉडी को कंट्रोल करेगा। ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से डोलोस एक ट्रिकरी का स्पिरिट है और उसका निर्माण दुनिया में गुस्से से तबाही मचाने के लिए हुआ था। उन लाइन्स को पढ़ने के बाद जो रूबी को फोन करती है कि कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है और कुछ ही सेकंड बाद जो को उसके जवाब मिल गया। जो जिस सिगरेट को स्मोक कर रही होती है वो उस बुक पर गिर गया क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। उसने कई बार खुद को पेट में पेन से स्टैब किया और जैसे ही बुक जलने लगा कोई अनसीन पावर जैसे उसे फोर्स करके उसका फेस फायर में पुश कर रहा था और फेस जलने की वजह से जो की डेथ हो जाती है। और दूसरी तरफ ग्लेन जिम में हैवी वेट से अपना सर फोड़ लेता है और उसकी भी मौत तुरंत ही हो जाती है और अब डैनी ही एक अकेला व्यक्ति था जो जिंदा बचा था। लेकिन कब तक माइकल और डैनी ट्रेवल करके इस चीज का सलूशन ढूंढने के लिए डेविड के पास प्रिजन में जाते हैं क्योंकि ये सारा मसला वहीं से शुरू हुआ था। और माइकल के पूछते ही डेविड ये एडमिट करता है कि उसने और पेट्रिशिया ने मैरिज रिचुअल की थी
और उन्होंने सीन और इनोसेंस को यूनाइट किया था छोटी माइकल को इंक्लूड करके, और तीनों ने अपना खून तब उस स्पिरिट को ऑफर किया था डोलोस को इस दुनिया में लाने के लिए, और तब उसने माइकल के शरीर में जन्म ले लिया, जबकि पेट्रिशिया उस डीमन को अपने कोख में बच्चे के रूप में पाना चाहती थी। लेकिन उस डीमन ने माइकल को चुन लिया। पेट्रिशिया और डेविड उस डेविल के असीम शक्तियों से पूरी दुनिया पर राज करना चाहते थे, लेकिन उनका प्लान फेल हो गया क्योंकि डॉलर्स एक ट्रिकस्टर है और उसने अपने ही भक्तों को ट्रिक कर दिया माइकल के बॉडी में एंटर करके। और कभी कभी वो स्पिरिट अपने मर्जी से काम करता था और कभी कभी माइकल के हार्मफुल थॉट्स को पूरा करता था। डेविड को माइकल से नफरत थी क्योंकि उसे वो पावर मिल चुके थे जिसकी वो कपल आस लगाए बैठे थे, और माइकल की माँ की डेथ माइकल के इशारों पर ही हुई थी। डेविड सही कह रहा था, वो स्पिरिट एक ट्रिकस्टर है और उसने उनका इस्तेमाल किया, और घर से निकल जाने के बाद उसने उन लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, और वही काम वो माइकल के साथ भी करेगा। और ये सब कुछ सुनने के बाद माइकल खुद को कोसती है वहाँ जाने के लिए, और तब वो खुद से नफरत करने लगती है कि वो एक डीमन का वैसल है। और तभी माइकल ये डिसाइड करती है कि वो सबसे दूर हो जाएगी, और इसलिए वो सुसाइड करने की तमाम कोशिशें कर रही थी, लेकिन वो डीमन उसे मरने ही नहीं देता, और माइकल ये समझ जाती है कि वो उसे नहीं मरने देगा। तब डैनी माइकल को रूबी के पास लेकर जाता है कि शायद रूबी उनकी कुछ हेल्प कर सके। तब रूबी डैनी से कहती है कि हमें ऐसा बिहेव करना होगा कि जैसे हम उस डीमन के मौजूदगी को नहीं जानते, और रूबी तब इस चीज़ का सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लेती है कि वो जो कुछ भी सोच रही है वो सब कुछ उसी ने माइकल के दिमाग में डाला है, और उसने उन स्टूडेंट्स के भोलेपन का फ़ायदा उठाया है पैसों के लालच में। और वो माइकल को समझाती है कि उसके अंदर कोई डीमन नहीं है, और रूबी तब वो पैसे डैनी के हाथ में थमा देती है। और जब डैनी ट्रैवल कर रहा होता है तब कॉल करके डैनी को कुछ बताती है, तब डैनी एंडलेसली कार ड्राइव कर रहा होता है, इसलिए माइकल को डैनी पर शक हो जाता है कि रूबी ने डैनी को कुछ तो दिया है। और वो डीमन तब माइकल के थ्रू गुस्से में डैनी को खूब धमकाता है, तब डैनी को वो मैसेज दिखाना ही पड़ता है जो रूबी ने उसे नोटों पर लिख कर दिया होता है, जिसमें लिखा होता है कि माइकल को लोगों के बीच से दूर ले जाओ। वही डैनी कर रहा था, और तब वो डीमन गुस्से में डैनी का सर पटकाकर उसे भी ख़त्म कर डालता है। और माइकल मजबूरी में सिर्फ डैनी को मरते हुए देखती है और कुछ भी नहीं कर पाती। तब डैनी के मरने के बाद उनसे लथपथ माइकल पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन खुद को सरेंडर करने के लिए, और माइकल तब उस ऑफिसर से खुद को शूट करने के लिए बोलती है। लेकिन वो ऑफिसर जैसे ही माइकल की तरफ गन तानता है, वो ऑफिसर अपना गन पलटकर खुद को ही शूट कर लेता है। और इस इंसिडेंट को देखकर जब चार ऑफिसर्स वहाँ पर आ जाते हैं, और जैसे ही वो माइकल के ऊपर बंदूक तानते हैं, वो खुद ही एक दूसरे को शूट करके मारे जाते हैं। तभी वो डिटेक्टिव पीछे से आकर माइकल को ट्रैंक्विलाइजर शूट करके माइकल को बेहोश कर देता है, और ऐसा वो इसलिए कर पाया क्योंकि वो डिटेक्टिव अचानक से आया। तब उस डीमन को उसकी प्रेजेंस नहीं फील हुई क्योंकि उसका ध्यान उन ऑफिसर्स को मारने के पीछे लगा हुआ था, और वो डिटेक्टिव तब बेहोश माइकल को साइकिक रूबी के पास लेकर जाता है। तब रूबी बताती है कि बुक में मेंशन किया गया है कि डोलोस तभी रेस्ट करता है जब उसका वैसल सो रहा होता है, और उस वक्त माइकल बेहोश होती है। इसका मतलब डोलोस तब सो रहा था लेकिन माइकल की आत्मा जाग रही थी। तब रूबी माइकल की आत्मा से बात करने की कोशिश करती है, तब माइकल रिस्पॉन्ड करती है कि वो फ्री होना चाहती है, और उसके फादर डेविड डोलोस का वैसल बन सकते हैं। और तब वो समय था ट्रिकस्टर को ट्रिक करने का, और उसी वक्त डेविड को सजाए मौत दी जाने वाली थी, और ये परफेक्ट टाइम था डोलोस को डेविड के बॉडी में ट्रांसफ़र करने का ताकि डोलोस दोबारा से लौट ही ना पाए, क्योंकि वो अपने वैसल के साथ ही दुनिया को छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। माइकल को प्रिजन में ले जाया जाता है, और माइकल तब अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है कि वो डोलोस को अपने शरीर में पनाह दे। डेविड कोशिश भी करता है, एग्जीक्यूशन के लिए ले जाया जाता है जहाँ पर उसे वो जहरीला इंजेक्शन दिया जाना था। तब डेविड उस इंजेक्शन देने वाले एग्जीक्यूटर को कुछ देर के लिए फ्रीज कर देता है, और वो इंजेक्शन लगा ही नहीं पाता, लेकिन बस कुछ ही सेकंड्स के लिए। और इंजेक्शन लगाने के बाद ही रूबी चैन की सांस लेती है, अब बस ये सोचकर कि वो सक्सेसफुल रही डोलोस को ट्रिक करने में। और अब डोलोस डेविड की मौत के साथ साथ ही इस दुनिया से चला गया, लेकिन जब हमारी नज़र माइकल पर पड़ती है तब माइकल के फेस पर एक वियर्ड स्माइल होती है, जिसका मतलब था कि डोलोस डेविड के साथ गया ही नहीं बल्कि माइकल के साथ ही था, और असलियत में डोलोस ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं था, और ट्रिकस्टर ने फिर से अपनी बाजी मार दी, और ये प्रूव हो गया कि डोलोस को ट्रिक करना नामुमकिन है। और शायद रूबी ने माइकल की आत्मा से बात नहीं की,
बल्कि वो डोलोज ही था जिसने रूबी को ट्रिक किया कि डोलोज को डेविड के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। डोलोज डेविड के अंदर चला जाता तब तो वो अपनी मौत को टाल भी सकता था, लेकिन डेविड तो मर गया और डोलोज अपने वेसल को कभी मरने ही नहीं देता। इसका मतलब डोलोज डेविड के शरीर पर गया ही नहीं था और वो माइकल के शरीर से ही इंजेक्शन वाले एग्जीक्यूटर को कंट्रोल कर रहा था सिर्फ सबको ट्रिक करने के लिए। और आगे चल के हमें पता है कि वो क्या करने वाला है। और अब जो को भी डोलोज के खिलाफ साजिश करेगा वो उन सबको मौत के घाट उतार देगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।